मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. तो सब लोग ये चैप्टर फोर में जो क्वेश्चन आंसर था वो कंप्लीट हो चुका. हैव यू एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है? नो सर. आराध्या पांडे क्या बोले? आवाज नहीं है. अभिज्ञान सिन्हा कोई प्रॉब्लम है? सर क्या चीज में आवाज नहीं आ रहा था. तो देखो ये अभिज्ञान सिन्हा कोई प्रॉब्लम है? सुनाई दे रहा है अभिज्ञान सिन्हा? सर क्या चीज में आपका आवाज ही नहीं आ रहा था. क्या बोल रहे थे? आवाज ही नहीं आ रही अब दे रहा है सर. आपका कुछ देर पहले वॉइस नहीं आ रहा था. अब आ रही पांडे सर. अब आ रही है सर. क्या बोल रहे थे? क्वेश्चन आ रहा था क्या? आपको कोई प्रॉब्लम है चैप्टर फोर में? जयंत कुमार. मैं तो कल ज्वाइनिंग नहीं किया था. गुड मॉर्निंग सर. वॉइस कट कट के आ रही है. वॉइस इज नॉट क्लियर. समथिंग टू नो में सर. योर वॉइस इज नॉट क्लियर. समथिंग टू डू में एबीसी. Yes. तो आपको बाय दे रहा है जी. ये चैप्टर फोर में जो ई सेक्शन में जो छूटा हुआ था क्वेश्चन आंसर में हैव यू एनी प्रॉब्लम? सारा डिस्कशन हो गया. ये पूछ रहा हूं मैं. नो सर. अभी तक पूरा आप नहीं कराए क्वेश्चन आंसर. कहां से बात की है सर? एबीसी को किस बात सर? अभी क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 बचा हुआ है. चलो क्वेश्चन नंबर. यस सर. 4 ही तक हुआ था. ओके सर. 4 ही तक हुआ था. 5 6 7 8 बचा है. ठीक है. देखो आंसर नंबर 5. 5 देखो 5. तो देखो आफ्टर ए डस्ट स्टॉप हाउ डज रेन हेल्प इन मेकिंग एयर क्लियर? डस्ट स्टॉप के बाद कैसे रेन जो है वो एयर को क्लियर करने में हेल्प करता है? वहां लोडिंग है. लोडिंग प्रोसेस के कारण होता है. आपको लोडिंग में क्या है कि वह जो रेन है वह
जो डस्ट पार्टिकल है उसको हैवियर बना देता है, जिससे वो सेटल डाउन हो जाता है डाउनवर्ड की ओर, ठीक है। तो ये आपको मैंने अंडरलाइन भी कराया था, पेज नंबर 59, पेज नंबर 59, पेज नंबर 59 में देखो, है ना, पेज नंबर 59 में दिया है लास्ट में, है ना, कि आफ्टर स्टॉर्म लिखोगे, आफ्टर स्टॉर्म रेनफॉल रिमूव, है ना, डस्ट पार्टिकल, दिस डस्ट पार्टिकल एंड द एयर बिकम्स क्लियर एंड फ्रीज अगेन, डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर गेट लोडेड विथ वाटर एंड सेटल डाउन, गेट लोडेड विथ वाटर एंड सेटल डाउन, वहां लोडिंग प्रोसेस हो जाता है, क्लियर। पेज नंबर 59, कोई प्रॉब्लम? मिल गया सर, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, पहले लिखना है, एक और बार रिपीट कर दीजिए ना, कहां पे नहीं मिला अभी तक। पेज नंबर 59 आफ्टर लास्ट पैरे स्टॉर्म, आफ्टर स्टॉर्म रेनफॉल, आफ्टर स्टॉर्म रेनफॉल रिमूव द डस्ट पार्टिकल, दिस डस्ट पार्टिकल इन द एयर गेट, ठीक है, मिल गया, एंड द एयर बिकम्स क्लियर एंड फ्री अगेन, मिल गया, कोई प्रॉब्लम किसी को? यस सर, मिल गया। आफ्टर स्टॉर्म के बाद वो जो रेनफॉल है वो उसमें घुसा देना है, रिमूव रेनफॉल सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद वर्ब हो जाएगा रिमूव, क्लियर। हैव यू एनी प्रॉब्लम? यस सर। नो सर। ओके, तो नेक्स्ट सारे बच्चे वीडियो ऑन करके रखना है ना, क्योंकि आप वीडियो ऑन रखते हैं इट मींस कि आप जो है टीचर के सुपरविजन में है, अदरवाइज आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, है ना, वो समझ में नहीं आता है। आप वैसे तो अभी पेरेंट्स के सुपरविजन में है ही आप, लेकिन इसके बावजूद भी आप कुछ न कुछ जो है पढ़ाई में डिलाय करते हैं, स्लैकनेस है, तो स्लैकनेस को दूर करने के लिए वीडियो ऑन करने का सजेशन दिया गया है। ओके, तो आप देखो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 5, नो सर, कोई प्रॉब्लम। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 6 कोई रीडिंग दो तो। Sawdust mixed in water cannot be separated by the sedimentation method. Why? तो उसको आपने से बना के लिखना है। लिखोगे because, अरे question number six, answer six, कि उसमें लिखोगे because sawdust, है ना? Sedimentation method है, sublimation method है। Question को again repeat करो। Sir, sawdust mixed in water cannot be separated by the sedimentation method. Why? Okay. So, sedimentation method से वो अलग नहीं किया जा सकता है, क्यों? तो देखो sedimentation method को देखो कहाँ है? नीचे दिया, ये पेज नंबर 58 में है, है ना जी? यस सर। अरे ठीक है, लिखोगे बिकॉज सॉ डस्ट एब्जॉर्ब वाटर, लिखोगे बिकॉज सॉ डस्ट एब्जॉर्ब वाटर, सॉ डस्ट क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, है ना, एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है,
और इट कैन फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, इट कैन फ्लो, वह क्या होगा, वाटर पर वो तैरेगा भी, इट कैन फ्लोट है ना, इट कैन फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर ठीक है, तो therefore sawdust mixed in water cannot be separated by sedimentation method. समझ में आया कुछ, समझ में आ गया? Yes sir. Sawdust जो है वो वाटर को absorb कर लेगा, फूल जाएगा वो, है ना, sawdust जो है वाटर को absorb करने के बाद क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, और वो जो है फ्लोट करेगा ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. और सेडिमेंटेशन मेथड में क्या होता है, पार्टिकल जो है हैवियर होके नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, तो ये इसमें होगा नहीं, इसीलिए आपको है ना ये हम लोग मेथड का यूज करते हैं. क्लियर? नो एनी प्रॉब्लम? नो सर. अच्छा पांडे के यहाँ बच्चे, चलो नेक्स्ट. ये E6 में कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेवन है द फिल्ट्रेशन मेथड कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट शुगर एंड साल्ट मिक्स विद वाटर. तो ये भी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं. उसमें क्या लिखेंगे कि बिकॉज शुगर एंड साल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर, बिकॉज शुगर एंड साल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर, डिजॉल्व इन वाटर, जो वाटर में क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा है ना, तो जैसे ही डिजॉल्व हो जाएगा तो शुगर दिखाई नहीं देगा है ना, देयरफॉर इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड, है ना, इट नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड, इट कैन बी सेपरेटेड बाय इवेपोरेशन मेथड. कौन से मेथड से सेपरेट होगा? इवेपोरेशन मेथड. शुगर भी वाटर में डिजॉल्व कर जाता है, साल्ट भी वाटर में डिजॉल्व कर जाता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन मेथड से वही सेपरेट होगा जो डिजॉल्व नहीं करता है, ठीक है. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 7 यस सर. उसमें क्या लिखना है? यस सर. एंड साल्ट बोथ आर सॉल्युबल इन वाटर, आर सॉरी ठीक है, दोनों क्या है, सॉल्युबल इन वाटर. नो एनी प्रॉब्लम? नो सर. ओके चलो नेक्स्ट. अबे आपको डिस्क्राइब द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन यूजिंग एन एप्रोप्रिएट एग्जांपल. तो आपको पेज नंबर 61 का 8 का पेज नंबर 61 में होगा आंसर. इसमें होगा यस सर, इट इज अ मेथड यूज्ड टू सेपरेट द फाइन पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड. शांत रहो शांत. ई 8 में पेज नंबर 61 में क्या क्या लिखना है वो ध्यान से सुनोगे सारे बच्चे. वीडियो ऑन नहीं है आदित्य, अनिका श्री ड्रेसर ऑन ही मेरा, यहाँ का दिख रहा है ऑन है, अंडे यदि तुम्हारे घर में लाइट नहीं है, मेरा तो ऑन है इधर से, लाइट नहीं है क्या सर? ऑन ही मेरा लाइट के आ भाई सर, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा सर, मेरा इधर से ऑन है. हो सकता है इट मे बी, ये हो सकता है ड्यू टू नेटवर्क, आपका दिख रहा था
है उसमें स्टॉप वीडियो आ रहा था, इट मींस वीडियो ऑन है ना, कुछ पैरामीटर्स है जो डिटेक्ट कर सकता है कि कहाँ प्रॉब्लम है, डी टू नेटवर्क है कि एनी अदर प्रॉब्लम है. ओके तो हमें शशांक शेखर क्या है प्रॉब्लम शशांक शेखर सर व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा ना. क्यों क्लास क्यों नहीं टाइम पे ज्वाइन करता है, अगर स्कूल खुली रहती तो क्या करता था? बोलो. एक नया तुम लोग माने मेथड यूज करो, नया तरीका खोज रहा है तुम लोग, जो आपको माने हाथ भी नहीं उठाना पड़े और मुंह में कोई खिला दे, ऐसी सिस्टम अपना रहे हो. तो मैं क्लास में ज्वाइन हो गया, सारा चीज बताया जा रहा है, वीडियो ऑडियो ऑन है ना, तो फिर ये नया एक तरीका क्यों खोज रहा है कि व्हाट्सएप पर ये भेज दीजिएगा. यानी तुम किसी न किसी बहाने गार्जियन से मोबाइल लेके 24 आवर मोबाइल पर रहो. नो सर. तो क्या है सर बताइए. सर कभी कभी आप बोलते हैं सर कंफ्यूजन हो जाता है सर, कभी कोई सुनाई नहीं देता. इसीलिए पेज नंबर तो बोल देते हैं, पेज नंबर भी तो बोल देते हैं कि यहाँ देखो, फिर हिंदी में समझा देते हैं है ना, उसको भी वैसे भेज दिया जाए, कोई बच्चे के द्वारा भेज दिया जाए. तो देखो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में पेज नंबर 61, उसको पहले सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को मैंने डील करना है कि वह है क्या. तो इसमें लिखोगे इट इज मेथड यूज टू सेपरेट द फाइन पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन ए लिक्विड बाय द रोटेटिंग द मिक्सचर एट हाई स्पीड. ठीक है, यहीं तक लिखना है हाई स्पीड तक की. इसके बाद ये लाइन नहीं लिखना है कि सेंट्रीफ्यूगेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन, ये नहीं लिखना है. ठीक है, सेंट्रीफ्यूज का डिफिनेशन है वह नहीं लिखना है. पैराग्राफ चेंज कर देना है, लिखना है द हैवियर पार्टिकल्स टेंड टू सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर व्हाइल द लाइटर वन स्टे एट द टॉप सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम. अब एग्जांपल लिखना है टॉप के बाद, फिर पैराग्राफ चेंज कर देना. और क्या लिखना है एग्जांपल्स, उसमें लिखना है कि सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क वाला एग्जाम्पल है. उसमें आप देखो क्वेश्चन को ध्यान से करो, क्वेश्चन क्या क्या कहना चाह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को डिस्क्राइब कीजिए. ठीक है, फिर उसमें कह रहा है कि कोई एक एग्जांपल दीजिए है ना भाई, छुटे हुए एन एग्जांपल. ठीक है, तो समझ में आया कुछ, सुनाई दिया अभिज्ञान सिन्हा आदित्य सुनाई दिया. यस सर आवाज आ रही है. क्लियर समझ yes, में आया. यस सर क्लियर है आवाज. क्या क्या लिखना है ये समझ में आ गया. यस सर. कोई प्रॉब्लम. यस सर. कोई प्रॉब्लम नहीं sir. है. सर्टिफिकेशन में क्या क्या लिखना है समझ में आया. नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं. किसी से यूज करना है, स्पीच तक लिखना है. स्पीच तक लिख देने के बाद फिर हैवियर पार्टिकल से लिखना है और वो टॉप तक लिखना है. इसके बाद एग्जांपल लिख के आपको लिखना है कि सेपरेट स्क्रीन फॉर्म मेल है. ठीक है, तो ये आपको इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन आंसर हो गया. और कोई प्रॉब्लम है. 8 तक खत्म हो गया ना जी. नो सर. नो सर. ई का 1 से लेके 8 तक कंप्लीटेड. वैसे मैंने वीडियो भेज दिया था, उसमें दूसरे सेक्शन में ये खत्म था. ठीक है, तो उसका मैंने वीडियो भेज दिया था, मिल गया होगा, आपने देखा ही नहीं होगा. ठीक है, अब है नेक्स्ट. आप अनिकेत आनंद
वॉइस इज नॉट क्लियर. वो उतार चढ़ाव होगी, आदमी वही है, हम ही है ना जी, तभी क्लियर था, अभी नहीं है. तो इसमें बीच में कौन सा मीडिएटर गड़बड़ा रहा है? नेटवर्क. तो अब है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को देखना है उसमें क्या प्रॉब्लम है. आपको आदित्यराज, तुम्हें एंड स्टोरेज किया हुआ है. आदित्य आप म्यूट हो, पहले से ही है अनम्यूट, और तब भी एंड स्टोरेज किए हुए हैं. भाई हाँ बोलो आराध्या, क्या दिक्कत है? तो नेक्स्ट और तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को रीडिंग देगा आदित्य, रीडिंग दो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का आदित्य. सुन रहे हो अंकिता घोष? कुछ बच्चे जो है उसको आपको जैसे अंश कुमार ओझा, ये इसका नेटवर्क गड़बड़ चल रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये कभी ज्वाइन कर रहा है कभी फिर लीव हो रहा है अपने आप. हरिओम कुमार भारत और उज्जवल कुमार, ये सारे बच्चों को नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है. आदित्य राज सुन रहे हो? हेलो. तो देखो ये यस सर, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को रीडिंग देना है. शशांक शेखर चलो कौस्तुब, तुम ही रीडिंग दो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को. यस सर, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली in the Swachhata Abhiyan for their school and its neighborhood. They separated out the biodegradable and non-biodegradable wastes and put them in separate bins. Their science teacher appreciated their work. She compared their work with the methods of sieving and winnowing about which she had taught them last week. Yes, sir. हो गया. ठीक है. तो आपको इसमें कंपेयर करवा रहा है दो चीजों के बारे में कि स्वच्छता अभियान में आपको शामिल है कौन शामिल है? स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स. वो एक्टिविटी स्वच्छता अभियान के लिए वो पार्टिसिपेटेड किया है ना, स्वच्छता अभियान एक्टिविटी में. मिस्टर हर्षराज संस्कार, हैंड्स को डाउन करो, फेस को दिखाओ. संस्कार आप अपने कैमरा के पास हैंड्स नहीं ले जाना है, ठीक है? ओके. तो यहाँ पे तो कह रहा है कि स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स जो है वो स्वच्छता अभियान एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, उसमें उसमें शामिल हुआ है और इसमें स्कूल एंड इन
इट्स नेबरहुड, ठीक है, फॉर देयर स्कूल, उसके स्कूल के लिए और पड़ोसी के लिए, नेबरहुड के लिए, बी सेपरेट ऑफ द बाय, तो उसने क्या किया, दो अलग अलग डस्टबिन लिया, एक दो डस्टबिन, एक में वो का बायोडिग्रेडेबल को रखना है और एक में नॉन बायोडिग्रेडेबल को रखना है। अर्थराज कंसंट्रेट हो जाओ, इधर उधर ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है, घर में हो तो इसका मतलब इधर उधर ध्यान दो, मैंने ये गुड में थिंग नहीं है। तो आपको उसके बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को अलग डस्टबिन में रखना है और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को अलग डस्टबिन में रखना है, ठीक है। ए संस्कार, तुम वीडियो को सही करो, अगर तुम्हें भी कैमरा ठीक पोजीशन में नहीं रख पाते हो तो तुम्हें वीडियो ऑफ कर लो, तब तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए वीडियो ऑफ ही ठीक है। तुम्हें कह रहे हैं कि कैमरा के पास हाथ नहीं डालना है, है ना, तो आपको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दो अलग अलग डस्टबिन में रखना है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायो, अलग अलग रखने का एडवांटेज क्या होगा, एडवांटेज यही है कि आपको बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंसेज है उसको आप रिसाइकलिंग कर सकते हैं, उसको रिन्यू कर सकते हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको आप रिसाइकलिंग नहीं कर सकते, उसको फिर से हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, उसको नए सामानों में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो कहने का गर्ज कि दो डस्टबिन बनाया, एक में बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज को रखा और दूसरे में नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज को रखा। तो साइंस टीचर ने क्या किया, इस वर्क को एप्रिशिएट किया और उसने इस मेथड को कंपेयर किया किस किस से, सीविंग और विनोइंग मेथड से, है ना, सी कंपेयर देयर वर्क विद द मेथड ऑफ सीविंग एंड विनोइंग। दोनों मेथड आप पढ़ चुके हैं, विनोइंग में भी क्या करता है, जो हस्ट पार्टिकल है वह दूर भाग जाता है, अलग हो जाता है, वेयर एज ठीक है, और आपको जो है जो ग्रेन्स है वह नीचे आ जाता है, ओके। तो आपको इसमें सीविंग और विनोइंग मेथड से उसने कंपेयर कराया कि आपने जो पहले पढ़ चुके हैं कि कौन कौन डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कैसे हम सेपरेट करते हैं सब्सटेंसेस को, इसको बारे में आप लोग पढ़ते हैं। स्टेट द वैल्यू डिस्प्लेड बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स के द्वारा कौन सा वैल्यू डिस्प्लेड हो रहा है, कौन बताएगा, अंकिता घोष, कौन सा वैल्यू डिस्प्लेड हो रहा है? सर आई शशांक शेखर बोलो, बोलो शशांक शेखर, सर केयरिंग फॉर नेचर, केयरिंग फॉर नेचर ठीक है सर, केयरिंग फॉर नेचर, यस ये भी ठीक है, क्लीननेस ये भी एक उसको 5% है, ये क्लीननेस भी लिख सकते हैं। अब आई गिव वन एग्जांपल ऑफ is unstable between receiving and winnowing can be used for bringing about the required separation, and so sieving ko kaun batayega, sieving ha bolo kaun bol raha hai, kaun batayega sir, main batau, ha bolo na sir, main example do, ha bolo सर, सीविंग का एग्जांपल होगा ड्रेनिंग ऑफ वाटर फ्रॉम अंकिता घोष कहाँ चली गई छोड़ के क्लास, सीविंग का क्या एग्जांपल होगा और तुम ड्रेस में क्यों नहीं है अंकिता घोष, ठीक है तो चलो जी, और विनोइंग का एग्जांपल, विनोइंग का एग्जांपल सर सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम द ग्रेन्स, यस
तो अवेयर थर्ड हैव ए डिस्कशन इन क्लास इन विच ईच ग्रुप ऑफ सिचुएशन गिविंग वन एग्जांपल ऑफ सेपरेशन दैट कैन बी कंपेयर्ड विद सम मेथड ऑफ सेपरेशन स्टडीड ऑफ देम। तो ये आपकी मर्जी है, आप बहुत सारे मेथड पढ़ चुके हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, हैंड पिकिंग, ये सब ट्रेसिंग, ये सब पढ़ चुके हैं ना जी। तो कोई एक ग्रुप बना के इसमें डिस्कशन करना है, ठीक है, क्लियर? तो चैप्टर चैप्टर खत्म हो गया, आपको सिलेबस भी मिल चुका होगा। सिलेबस में आपको जुलाई तक है चैप्टर 5 और मोस्ट मेजरमेंट चैप्टर जो है ना, तो आपको जुलाई तक खत्म करना, जिसमें चैप्टर 5 हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। किसको याद है? हर्षराज यस सर, बोलो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लो चेंज एंड फास्ट चेंज? स्लो चेंज और फास्ट चेंज में क्या डिफरेंस है, बोलो। स्लो चेंज और फास्ट चेंज में क्या फर्क है? नहीं आ रहा है, और कोई बताएगा? अभिज्ञान सिन्हा, अभिज्ञान सिन्हा नहीं आ रहा है, आराध्या पांडे सर मैं बता रहा हूँ। तो लेट क्यों कर रहे, बोलो। तो मेरा वो सर गलती से सर मैं म्यूट हो गया था। The thing which always take longer time to process is called slow change and sir example slow change का like sir इसका एक example हो सकता है example sir sir मैं बोलूँ सर मैं शशांक एग्जांपल दूँ फास्ट चेंज और स्लो चेंज का सर मैं डेफिनेशन के साथ बोलूँ सर डिफाइन करूँ एक बच्चा ने बोला ना शशांक तो बोलने दो ना उसको शशांक बोलो सर विच टेक क्या हो गया सर मैं बोलूँ हाँ बोलो फर्स्ट तू बोलो A change that takes longer duration is called slow change. A change that takes shorter duration is called fast change. For example, the change of season, growth of a plant, rusting of iron nails. Okay, अब चलो, what is the difference between physical change and chemical change? ये बताएगा आपको उर्वी कुमारी। उर्वी। Yes, sir. बोलो, physical change और chemical change में क्या difference है? बोलिए। नहीं आ रहा है जानवी, तुम बोलो जानवी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज? जानवी सुन रही है? आदित्य तुम बोलो, What is the difference between physical change and chemical change? Aditya. Physical change. Yes, sir. Bolo. Sir, मुझे example याद है sir. Difference बताना है. उसमें example ही sufficient हो रहे होगा. हैं? Sir, मैं बताऊँ. Bolo.
बोलो कौन बोल रही है? बोलो नो न्यू सिस्टम इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड फिजिकल चेंज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज सर फिजिकल चेंज का एग्जांपल है सर पढ़ रहा है नो सर अच्छा बोलो बोलो बुक बंद करके आगे ऐसे दिखाओ सर जैसे कि मेल्टिंग मेल्टिंग ऑफ क्या सर बुक क्लोज करके तब रिपीट करो तब आंसर दो सर मैं बोल नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इज कॉल्ड फिजिकल चेंज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल चेंज सर फिजिकल चेंज का एग्जांपल है जैसे कि सर मेल्टिंग ऑफ आइस और सर केमिकल चेंज का एग्जांपल केमिकल का सर एग्जांपल हो सकता है सर मुझे एक आता था पर भूल गया क्या था सर मैं बोलूं हाँ बोलो बोलो फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एग्जांपल टियरिंग ऑफ पेपर इन केमिकल चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एग्जांपल कुकिंग ऑफ फूड ओके चलो तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट और वो टाइम भी बहुत कम है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज मैंने पहले ही बता दिया था ये सारे याद कर लेना है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज कौन बताएगा आदित्य